हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। माय सेल्फ पूर्णिमा डोंगरे, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। टुडे वी विल सी यूनिट 2 हाईवे ज्योमेट्रिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज वेरियस टर्म्स यूज्ड इन हाईवे। दीज आर ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस एंड कर्व्स। लर्निंग आउटकम। In this, we will see about course outcome, program outcome and unit outcome. यह unit पढ़ने के बाद आपको किस बात का knowledge मिलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं course outcome. Implement the geometrical design features of different highways. आपको highway design करते समय कौन से points ध्यान में रखना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी. Program outcome. PO1, PO2, PO3. PO8, PO9, PO10, basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, individual and teamwork, communication, lifelong learning, इस बारे में जानकारी मिलेगी. Unit outcome. Students will able to explain various functional terms related to geometrics of the given type of highway with sketches. Highway के different component parts आप एक्सप्लेन कर सकते हो. डिस्क्राइब्स द गिवन टाइप ऑफ रोड कर्व्स एंड देयर नेसेसिटी। रोड पर कर्व्स की जरूरत क्या है, यह आप एक्सप्लेन कर सकते हो. रिव्यू ऑफ लास्ट टॉपिक। इन लास्ट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट हाईवे ज्योमेट्रिक्स। इन हाईवे ज्योमेट्रिक्स वी स्टडीड कैरेज वे, रोडवे वेट एंड कैम्बर। Also, we studied about design speed. In today's topic, we will study about gradient. जैसे कि आपको मालूम है कि रोड कंस्ट्रक्शन करते समय रोड के डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स पहले ही डिज़ाइन करते हैं. रोड की ज़रूरत, फंड्स अवेलेबल, एक्चुअल कंडीशन ऑफ लैंड, यह सब बातें ध्यान में रखते हुए रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है. तो आज के सेशन में देखते हैं ग्रेडियंट. So what is mean by gradient? Gradient, it is the rate of rise or fall of ground with respect to horizontal is known as gradient. Gradient means चढ़ाव या उतार, provided on road surface. क्योंकि वहाँ जमीन लेवल समान नहीं रहती और रोड कंस्ट्रक्शन का काम आसान होना चाहिए, इसलिए वहाँ ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं. एज शोन इन द फिगर, दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेडियंट. जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे रोड अलाइनमेंट चेंज हो रही है एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं. Let us see about different types of gradient. First is ruling gradient. Second is limiting gradient. So what is mean by ruling gradient? The gradient which is commonly provided under normal condition is known as ruling gradient. यानी रोड के ऊपर जो नॉर्मल चढ़ाव कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं एंड इट इज़ प्रोवाइडेड अबाउट 3.3%. सेकंड है लिमिटिंग ग्रेडियंट. द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट ड्यू टू टोपोग्राफी इज नोन एज लिमिटिंग ग्रेडियंट. रोड कंस्ट्रक्ट करते समय जमीन की कंडीशन देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाव वहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे लिमिटिंग ग्रेडियंट करते हैं. उसकी वैल्यू जनरली 5% रहती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, हिली एरिया में ज़्यादा चढ़ाव होने के कारण वहाँ पे अलग टाइप के ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं. दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज नथिंग बट द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, वेरी शॉर्ट लेंथ रोड इज नोन एज एक्सेप्शनल
ग्रेडियंट. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग ग्रेडियंट. द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड सच दैट व्हीकल विल मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड विदाउट अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स और पावर इज नोन एज फ्लोटिंग ग्रेडियंट. व्हीकल्स की स्पीड मेंटेन करने के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उसे फ्लोटिंग ग्रेडियंट कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज मिनिमम ग्रेडियंट. द मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज मिनिमम ग्रेडियंट. कम से कम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ताकि वहाँ से पानी इजीली पास हो जाए. दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज शोन इन द फिगर. नेक्स्ट है एवरेज ग्रेडियंट. द एवरेज ऑफ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रेडियंट कैन बी कंसिडर्ड एज एवरेज ग्रेडियंट. मैक्सिमम और मिनिमम ग्रेडियंट की एवरेज निकाल के जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उसे एवरेज ग्रेडियंट कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाईवे ज्योमेट्रिक इज साइड डिस्टेंस. व्हीकल चलाते समय दो व्हीकल के बीच कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए, इसे साइड डिस्टेंस कहते हैं, ताकि रोड के ऊपर व्हीकल्स सेफली मूव हो सके. अगर यह साइड डिस्टेंस नहीं रहा तो दो व्हीकल्स की टक्कर हो सकती है, इसलिए हमेशा व्हीकल्स की स्पीड देखते हुए दो व्हीकल के बीच कुछ अंतर रहना जरूरी है. तो देखते हैं साइड डिस्टेंस मतलब क्या है. द डिस्टेंस अहेड ऑफ ड्राइवर फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड एज साइड डिस्टेंस. ड्राइवर सेफली गाड़ी चला सके इसलिए दो व्हीकल के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसे साइड डिस्टेंस कहते हैं. ये साइड डिस्टेंस अलग अलग टाइप के होते हैं. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. तो देखते हैं ये अलग अलग टाइप के साइड डिस्टेंस क्या है. सबसे पहले देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल सेफली. व्हीकल चलाते समय व्हीकल को रुकने की ज़रूरत पड़ गई तो सेफ डिस्टेंस रख के वह व्हीकल रुक सकता है और इसे ही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला SSD, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.278 VT प्लस V² डिवाइडेड बाय 254 F, वेयर V इज स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, T इज रिएक्शन टाइम, F इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्टेंस इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस is nothing but the double of stopping side distance, and overtaking side distance is nothing but the distance required to overtake the vehicle safely. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, vehicles overtake करने के लिए minimum distance required रहता है और यह मिनिमम डिस्टेंस को ही ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं. रोड पर दूसरे व्हीकल के आगे जाना मतलब ओवरटेक करना. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कर्व्स. कर्व्स
कर्व्स मतलब मुड़ना। कभी कभी रोड कंस्ट्रक्ट करते समय स्ट्रेट रोड कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं रहता, ऐसी कंडीशन में वहाँ कर्व प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय कर्व? ए कर्व इज ए ज्योमेट्रिकल आर्क प्रोवाइडेड एट द चेंज इन अलाइनमेंट। जहाँ पे रोड की अलाइनमेंट चेंज होती है वहाँ पे जो आर्क प्रोवाइड करते हैं उसे कर्व्स कहते हैं। अभी ये कर्व प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, जहाँ पे रोड अलाइनमेंट चेंज होती है, इट मीन्स फिक्स द पोजीशन ऑफ अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट की पोजीशन फिक्स अगर करना है और वहाँ पे अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करना ज़रूरी है। प्रोवाइड एक्सेस टू ए सर्टन प्लेस। रोड के ऊपर अगर बीच में कोई सर्टन प्लेस आता है और वहाँ पे अगर रोड अलाइनमेंट चेंज करना हो तो कर्व प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अवॉइड एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग। रोड कंस्ट्रक्शन करते समय रोड का काम आसान हो सके इसलिए वहाँ पे रोड कर्व प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इट कीप रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीड। रोड पर व्हीकल्स की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी रोड कर्व प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। हॉरिजेंटल कर्व्स। अ कर्व प्रोवाइडेड एट द पोर्शन ऑफ चेंज इन अलाइनमेंट इन हॉरिजेंटल प्लेन। सीधे डायरेक्शन में रोड अलाइनमेंट अगर चेंज होती है तो वहाँ हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। सो व्हाट इज मीन बाय सिंपल कर्व? एन आर्क ऑफ ए सर्कल कनेक्टिंग टू स्ट्रेट विच फॉर्म्स टेंजेंट टू द आर्क इज अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में वन आर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रोड अलाइनमेंट अगर चेंज होती है तो वहाँ पे वन आर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। कंपाउंड कर्व। अ कर्व कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू आर्क्स ऑफ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। अगर रोड अलाइनमेंट चेंज होती है तो डिफरेंट टाइप के कर्व वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और एक ही स्ट्रेट अलाइनमेंट में दो या तीन बार अगर कर्व प्रोवाइड करते हैं तो उसे कंपाउंड कर्व करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स कर्व। व्हेन आर्क्स ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियस आर प्रोवाइडेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स कर्व। स्ट्रेट अलाइनमेंट में अगर डिफरेंट आर्क्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो उसे रिवर्स कर्व कहते हैं। ट्रांजिशन कर्व। इट इज नथिंग बट द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस विच कनेक्ट्स वन स्ट्रेट एंड वन कर्व और टू कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। दो या दो से ज़्यादा कर्व्स अगर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हॉरिजेंटल कर्व। नेक्स्ट टाइप है वर्टिकल कर्व्स। द कर्व प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन ग्रेडियंट और स्लोप इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व्स। इट इज डिवाइडेड इनटू सुमित कर्व एंड
वैली कर्व। इन सुमित कर्व एज शोन इन द फिगर, व्हेन अ राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स अ हॉरिजेंटल सरफेस और अनादर राइजिंग ग्रेडियंट। जैसे कि आप देख रहे हो, रोड पर अगर चढ़ाव आता है तो चढ़ाव आने के बाद सीधे रास्ते पे अगर वह मिल जाता है तो उसे सुमित कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है वैली कर्व। आपने देखा होगा, रोड पे अगर उतार आता है तो उतार आने के बाद वह अगर स्ट्रेट रोड से अगर मिलता है तो उसे वैली कर्व कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट न्यूमेरिकल ऑन साइड डिस्टेंस। इट इज़ वन ऑफ द सिंपल न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर ए टू वे ट्रैफिक इन ए सिंगल लेन रोड। अज्यूम एफ इज इक्वल टू 0.37 एंड रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड्स। यहाँ पे आपको डिजाइन स्पीड दी है और सिंगल लेन के लिए टू वे ट्रैफिक कंसीडर करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.37 एंड रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड्स। तो सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। वी दैट इज डिजाइन स्पीड, इट इज गिवन एज 50 किलोमीटर पर आवर। टी इज रिएक्शन टाइम, इट इज गिवन एज 2.5 सेकंड्स। एफ इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन एज 0.37। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय एस एस डी, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 254 एफ। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट 0.278 इंटू 50 इंटू 2.5 प्लस 50 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 254 इंटू 0.37, द वैल्यू विल गेट 61.35 मीटर एंड इट इज़ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर वन वे ट्रैफिक। बट वी हैव टू फाइंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक इन अ सिंगल लेन। देयरफॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विद टू। देयरफॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड इज इक्वल टू 2 इंटू 61.35 मीटर, दैट इज 122.70 मीटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 123 मीटर। इन दिस वे द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड। सो इन टुडे सेशन वी स्टडीड अबाउट ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस, कर्व्स एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू अबाउट रोड वाइडनिंग एंड सुपर एलिवेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आर डिफाइन ग्रेडियंट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, एनलिस्ट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, डिफाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, डिफाइन कर्व्स, एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, कैलकुलेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर वन वे रोड हैविंग डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.75 एंड रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड्स। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट। If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you
or contact me. Thank you for watching the video.